तो मैं अभी खड़ा हूँ फिल्म सिटी नोएडा में, आया हूँ अपने भाई के ऑफिस, और यहाँ पर जो है आज कुछ ऐसी बात है जिसको उसके साथ मुझे करना है, क्योंकि उनको लेनी है एक कार और कार को लेके हैं बहुत कंफ्यूज। भाभी और भाई मेरा जो है दोनों ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार ली जाए। आज चलते हैं उनकी फर्म में, बात करते हैं उनसे कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होने वाली है और उसके हिसाब से उन्हें एक कार डिसाइड करके देते हैं। अब देखिए, भाई मेरा वकील है पेशे से, और वकीलों को ज़्यादा वेट कराना ठीक नहीं होता, क्योंकि आपको किसी दिन अगर वकील की ज़रूरत पड़ गई और उसने कह दिया कि थोड़ा वेट कर ले, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे प्रबोध भाई के पास और जानते हैं उनकी कन्फ्यूजन और करते हैं उसका निवारण। लेट्स गो। तो प्रबोध भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बाबूजी, प्रणाम। अब आइए पहले प्रबोध भाई की कंफ्यूजन जानते हैं, पहले जानते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद चीज़ें शुरू करते हैं। तो प्रबोध भाई, सबसे पहले तो बताओ कि अपना बजट क्या है? बजट है यही 15 से 18 के बीच। 15 से 18 के बीच है? कोई मतलब स्पेसिफिक फ्यूल टाइप की CNG चाहिए, डीजल, पेट्रोल? एक्चुअली क्या है, डीजल का वो जब से 10 साल का हुआ है तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि डीजल गाड़ी लेने का कोई बेनिफिट रहा नहीं, क्योंकि 10 साल में तो खत्म ही जाएगी गाड़ी। तो देखा जाए तो पर एनम की कॉस्ट ज़्यादा है उसकी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो पेट्रोल गाड़ी, CNG नहीं, क्योंकि CNG बड़ी उसमें मजा नहीं आता चलाने में। बिल्कुल, हर तीसरे दिन आप जाके CNG पंप पे ही खड़े रहोगे। ठीक है, कोई बॉडी टाइप आपने सोचा हो कि सेडान में चाहिए, SUV चाहिए, 5 सीटर, 7 सीटर, ऐसा कुछ? हाँ, SUV अपन ने सोचा हुआ, अपने को ऊँची गाड़ी चाहिए। ऊँची गाड़ी चाहिए? ऊँची क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि वो सौम्य को पसंद है। 7 सीटर भी होनी चाहिए गाड़ी, ये मुझे अभी पता लगा। ऊंची भी 7 सीटर होनी चाहिए। तो अभी तक जो निकल के आया वो ये है कि बजट 15 से 18 लाख के बीच है, गाड़ी ऊंची होनी चाहिए, मतलब SUV होनी चाहिए, 7 सीटर होनी चाहिए। अब SUV में कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर SUV हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चली जाएगा ना। मतलब गाड़ी में बताता हूँ सौम्य का क्या है, उसको नीचे वो साइड स्टेप जो होता है ना, बस वो होना चाहिए गाड़ी में। तो यहाँ तक तो समझ आ गया है, फिर ये भी समझ आ गया है कि गाड़ी डीजल नहीं होनी चाहिए, CNG नहीं होनी चाहिए, मतलब बचा क्या, पेट्रोल। पेट्रोल ही ना, ये पेट्रोल और हाइब्रिड जो आ गई ना। अच्छा, हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड भी एक ऑप्शन है। तो हाइब्रिड की बात करूँ तो हाइब्रिड तो अभी किसी 7 सीटर में है नहीं, सिर्फ इनोवा में है। ठीक है, तो और उसकी तो वेटिंग ही 1.5 साल है। वेटिंग भी है, प्लस अपने जो अभी जो अपनी रिक्वायरमेंट है उस बजट से काफी ऊपर है। कोई कलर स्पेसिफिकेशन की जी, कलर ये वाला चाहिए, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट, और व्हाइट और ब्लैक ऐसा नहीं नॉर्मल वाला, वो पेंट वाला नहीं। बेसिकली कहा जाए तो भाई का कहने का मतलब है कि मेटेलिक पेंट चाहिए इन्हें, जिसमें थोड़ा वो डेजल आते हैं, शाइन आती है, जो टेक्निकल वर्ड है, मतलब रिच लुक व्हाइट और ब्लैक। ठीक है, कब चाहिए गाड़ी? 20 दिसंबर को मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो 20 दिसंबर को भाभी का बर्थडे है, तो उस दिन गाड़ी चाहिए, मतलब ज़्यादा वेटिंग भी नहीं होनी चाहिए। मैं सरप्राइज में बिलीव करता नहीं, इसलिए यहाँ पर ये बुलाया है। हाँ, ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है कि पता चले आप 7 सीटर तो बहुत है मार्केट में, पता चले आपको जो पसंद आई आपने ले ली और सामने वाले को नहीं आई तो भी दिक्कत है। तो ये चीज़ें ग्रह कलेश से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सब चीज़ के लिए सरप्राइज नामक कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप वैवाहिक जीवन में है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सरप्राइज ना दें, समझ लें क्या चाहिए। भाभी एग्री कर रही हो इस बात से? और कोई इनकी ना सुने। देखा, दोनों के विचार कितने मिलते हैं। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है ना भाई। तो सबसे पहला ऑप्शन आपने जैसा बताया है उसके हिसाब से एक गाड़ी आती है रेनो ट्राइबर। अच्छा, 7 सीटर है, USP है, 10 लाख के आसपास मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपका जो बजट है ट्राइबर ना, वो तो ज्यादा मिल जाएगा। आगे बताओ। दूसरा ऑप्शन है टोयोटा रूमियन, या कह लो मारुति सुजुकी अर्टिगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है अपने पास XL6 का। ठीक ठीक है, चौथा ऑप्शन आता है अपने पास किया कैरेंस। ओके, पांचवा ऑप्शन आता है अपने पास ह्यूंडई एल्केजार। ठीक है, छठा ऑप्शन जैसा आप लोग कह रहे हो उसके हिसाब से स्कॉर्पियो आ जाएगी आपकी। ठीक है, टॉप मॉडल क्लासिक की बात कर रहा हूँ, वो आ जाएगा। क्लासिक तो शायद केवल डीजल में आता है ना? हाँ, क्लासिक लेकिन डीजल में ही है, ये चीज़ है। बिल्कुल, और
स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी आपको, जो नई वाली स्कॉर्पियो आई है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, दुनिया भर की चीज़ें। अच्छा स्कॉर्पियो एन हाई, वो ब्लैक कलर में अच्छी, ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, ऊंची भी है सब कुछ, मतलब हाँ वो कन्फर्म पूर्ण कर रहा। तो ये जो है 5-6 गाड़ियाँ हैं। अब इसमें से रेनो ट्राइबर जो है वो 1 लीटर इंजन के साथ आती है, तो मुझे नहीं लगता ये गाड़ी आ जाएगी, वो बहुत करीब लगती है ना। तो जैसे ऊंची गाड़ी चाहिए भाई को, थोड़ा स्पेशियस भी होनी चाहिए, हैं भाभी, थोड़ा थोड़ा रिच लुक भी तो चाहिए, मतलब समझो हिसाब से समझो, मतलब बिल्कुल। वो देखो वो गाड़ी भाई 7 सीटर बनाई है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी जगह कुछ ना कुछ कट किया गया, हालांकि 4 स्टार सेफ्टी रेटेड है, अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, किसी गाड़ी को कोई गलत कहने का मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी। बेसिकली यही है, वो गाड़ी अच्छी है, नो डाउट अच्छी गाड़ी है, अच्छा उसका एवरेज भी अच्छा है, सस्ती भी गाड़ी है, बिल्कुल आपके अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सस्ती गाड़ी है। अर्टिगा भी आती है आप जैसे कह रहे थे ब्लैक में, लेकिन वो मेटेलिक वाइट में नहीं आती, ब्लैक में आती है, मेटेलिक नहीं होते वो, लेकिन आती है अर्टिगा। उसके ऊपर तो टैग लग गया टैक्सी वाला, तो दुनिया भर में टैक्सियां घूम रही है ना अर्टिगा नाम की, उसी वजह से बस, वरना तो फिर अगर अर्टिगा नहीं ले सकते तो हम टोयोटा रोमियोन भी ले सकते हैं। हाँ, वो अच्छा ऑप्शन है टोयोटा का, टोयोटा हाँ, लेकिन वो अर्टिगा से थोड़ी महंगी रहेगी क्योंकि वो टोयोटा है। अच्छा मैम एक बात बताओ भाभी कि आपको सनरूफ वनरूफ का शौक तो नहीं है, मतलब दिल्ली में कहाँ सनरूफ खोलेंगे, सनरूफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं ना दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं भाई, एक ही भाई हमेशा 300 के ऊपर रहता है हमारा। तो चलिए ठीक है, मतलब फिर एल्केजार को भी साइड कर देते हैं अपन, क्योंकि उसका हर मॉडल पैनोरमिक सनरूफ के साथ आता है। किया कैरेंस के बारे में क्या कहोगे, ऊपर से बड़ी रोबोट सी लगती है गाड़ी, रोबोट देखा तुमने, देखो रोबोट उसकी, मतलब उसकी हेडलाइट का होता कोई आंखों वाला लुक नहीं है, मतलब थोड़े से अपन जिस टाइप का इंसान देखता है ना, मतलब मेरा गाड़ी को जज करने का तरीका दूसरा है, मतलब उसकी आंखें ही दिखती मुझे। देखो कई बार क्या होता है, जो चीज़ सामने से दिख रही है वो जब सामने जाके बैठ के या प्रैक्टिकली उसे यूज़ करके देखो तो थॉट प्रोसेस हमारा चेंज हो जाता है। तो अपने पास जो किया कैरेंस अगर हमने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, हुंडई एल्केजार क्योंकि सनरूफ है तो वो आप देखोगे नहीं। हाँ एक और जो आप कह रहे थे, तो ब्लैक कलर में तो XL6 भी है आपके लिए और 6 सीटर है। नहीं मतलब एक्सेसरीज का बेनिफिट तो एक तो 6 सीटर से देखा जाए तो जो स्पेस हम जो शुरू कर रहे हैं वो स्पेस का तो वो स्पेस है ही, बट क्या कि जैसे अगर कोई चला रहा है गाड़ी और आप पीछे कैप्टन सीट पर आराम से बैठे हो तो एक कंफर्ट है, तो ये एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे XL6 का। मिडिल रूम में मतलब आपकी कैप्टन सीट्स हैं उसमें, जैसे चेयर होती है नॉर्मल ऐसे आपकी सीट दो ही होंगी जैसे अपनी इनोवा में। देखो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, अभी तक बहुत कम हुआ है या हुआ ही नहीं है मैं कहूँगा टेक्निकली, कि इस बजट में या इस सेगमेंट में या इसके सेगमेंट अबव कोई प्रॉपर 7 सीटर आई। तो अगर आप कोई भी गाड़ी जो मतलब कैप्टन सीट्स वाली लेते हैं तो आप टेक्निकली ये मान के चलो कि आप 4 एडल्ट ही बैठ पाओगे, पीछे मजबूरी में 2 बच्चे बिठा सकते हो, छोटी मोटी दूरी के लिए नहीं कह रहा मैं, 10-20-50 किलोमीटर आप एडल्ट बिठा लोगे, बट लंबे सफरों में आपका वो 4 सीटर रहेगी। तो आप लोग XL6 देख सकते हो, बहुत बढ़िया और क्या चाहिए, आपके बजट में भी आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रोमियन हो गई, XL6 हो गई, और मैं कहूंगा कि किया कैरेंस जरूर देख लेना भले ही आपको पसंद ना हो। वो तुम्हें याद है वो तुम्हें हाउ टू ट्रेन ड्रैगन याद है, हाउ टू ट्रेन उसका पोपला देखा तुमने? बिल्कुल, मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा पोपला, ये जिसकी बात जब वो सेम है जैसे, क्योंकि क्या था ना पोपला ही बोल नहीं सकता था, सेम उसके वो बंद है, वो यूं रहता है, यूं स्माइल करता है, कुछ ज्यादा दांत वांत नहीं आ रहे उसके, वो ऐसा ही है। लेकिन जो मैं गाड़ी आपको ये बता रहा हूँ ये आपको मतलब आपकी रोमियन है या XL6 है उससे ज्यादा चौड़ी मिलेगी, उससे ज्यादा लंबी है। XL6 लो आपको मतलब हाईवेज पे अगर आप तमीज से चलाते हो तो 15-16 दे देगी बड़े आराम से, ठीक है। और टेस्ट ड्राइव लेके पता लग जाएगा 12-13। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये चीज क्योंकि एल्केजार जो उससे एक सेगमेंट ऊपर है उससे वो ज्यादा चौड़ी है, कैरेंस ज्यादा लंबी है, बाकी अर्टिगा और इनसे तो है ही, ठीक है, प्लस ज्यादा पावरफुल इंजन है,
बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं उस गाड़ी में। मतलब मेरा कहने का है कि एक बार उसको जरूर कंसिडर करना। शक्ल बड़ी, कई बार चीजें शक्ल से नहीं दिल से होती हैं। क्यों बाबू? नहीं, तुम किससे पूछो? मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ। 7 सीटर हो, क्यों? बस फैमिली जाएगी। हम कितना जा रहे हैं हमें नहीं पता, वो फैमिली जानी चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स हो जाए। 7 सीटर गाड़ियाँ ले जानी पड़ती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो 7 सीटर हो जाए तो वो ले लेते हैं, वो 12 सीटर टेम्पो ट्रैवल। सारे लोग भी नहीं है ना हमारे ग्रुप में। नहीं, ये मैं वार्निंग एक जरूर दूंगा कि 7 सीटर जो होती है वो बड़ों के लिए सिर्फ 30-40 किलोमीटर तक के लिए ही 7 सीटर है, ये चीज हमेशा है। टेक्निकली 5 सीटर ही है, पर हाँ ये है कि उसमें डिग्गी में स्पेस मिल जाएगा। बात बताओ, अगर उसी प्राइस में 5 सीटर आ रही है, उसी प्राइस में 7 सीटर आ रही है, तो इंसान 7 सीटर क्यों? वैसे तो हमें 5 सीटर आ भी गई है, उसे 5 सीटर बना के चलाता रहे, पीछे की स्पेस भी तो मिल गई ना आपको सामान रखने की भी। हाँ, मतलब ये है कि स्पेस मिल गया सामान आपको सेम प्राइस में, एक बड़ी डिग्गी मिल गई, फाइनल हो गया। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, इनको जो मैं सजेस्ट करूंगा वो आपकी गाड़ियाँ हो ही गई तो स्कॉर्पियो क्लासिक है, ठीक है, आप देख सकते हो डीजल है, वो चीज़ याद रखना। वेटिंग बहुत लंबी हो सकती है इसकी। अर्टिगा हट गई, रोमियोन है, उसके बाद आपकी एल्केज़ार है, एल्केज़ार के बाद अपनी XL6 है, XL6 के बाद अपनी किया कैरेंस है। ये 5 गाड़ियाँ हैं, इनमें से आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखो। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एन भी देख सकते हो, यस बिल्कुल स्कॉर्पियो एन भी है। ये 5-6 गाड़ियां हैं जो आपके बजट में भी हैं और शायद आपका काम कर भी दें, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इनसे भी कह रहा हूँ कि वेटिंग जो है कार्स की बहुत लंबी है। अभी हम नवंबर में बैठे हैं और आपको 20 दिसंबर को गाड़ी चाहिए, तो बहुत कम ब्रांड्स ऐसे होंगे जो आपको 20 दिसंबर को गाड़ी दे देंगे। अगर देंगे तो फालतू की चीज़ें लगाने को बोलेंगे। तो जो वेटिंग का चोचला है उसका जो लिंक है, उसकी जो मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि अगर आपकी डिमांड है तो आप उतनी कार्स प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हर महीने। आपकी 10 महीने, 1.5 साल, 1.5-2 साल की वेटिंग हो रही है। मतलब कई बार मेरे को ये हमेशा से क्वेश्चनेबल लगा है, बट चलिए ठीक है, ये ब्रांड्स के ऊपर है। तो यही है मेरी तरफ से, मैं निकलता हूँ अभी, है ना? अच्छा है, आप लोग एंजॉय करो। तो देखो भाई, भाई है अपना, अपनी जो भी राय थी, अपना जो भी बेस्ट सजेशन था वो मैं दे के आ चुका हूँ। मैंने उसे इन गाड़ियों का सजेशन जो दिया है, देखते हैं वो उनमें से कौन सी गाड़ी लेता है। हालांकि सारी 7 सीटर्स हमने कवर कर ली हैं, बट मुझे जो लगता है कि अगर प्रबोध जो है वो किया कैरेंस या XL6 में से कोई सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ माइलेज भी ज़्यादा देती हैं और इनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। स्कॉर्पियो डीजल में है, 10 साल बाद उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान शौक से ऊपर बाकी सारी चीज़ें नहीं रख पाता, तो इसलिए हो सकता है कि अगर आप स्कॉर्पियो के फ़ैन हैं तो आप उसे इग्नोर ना कर पाएँ। बट मुझे जो लगता है XL6 या किया कैरेंस में से कोई गाड़ी आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरा ऐसा मानना क्यों है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना है या आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो autoinfotech786@gmail.com पे मुझे एक मेल ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।